हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो हैबिट हेल्दी फूड। आज मैं आप लोगों के साथ एक घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ जो कोरोना के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। कोरोना के चलते वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और देखिए ना, आजकल गर्मी भी बहुत पड़ रहा है तो हमें कूलर एसी भी चलाना पड़ रहा है। तो इसके कारण जो है सुबह और शाम हमारे जो गले में ना थोड़ा सा दर्द खराश महसूस होता है। तो इसके लिए हम एक कढ़ा का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जैसे अभी ऑफिस भी ओपन हो गया, जैसे मुझे भी ऑफिस जाना पड़ रहा है, तो मैं भी ये कढ़ा डेली दोनों टाइम ले रही हूँ। ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा और जैसे खास करके सर्दी जुकाम के लिए तो है ही है और ये बेसिकली इम्यून बूस्टर भी है। तो ये कढ़ा जो है आपके घर में कोई एजेड पर्सन है उनको तब जरूर दे दीजिए। और आप सुबह शाम जैसे कि नाश्ते के बाद एक बार ले लीजिए 9-9:30 बजे तक, और रात को सोते वक्त भी एक बार ले लीजिए। तो ये कढ़ा जो बनाने के लिए मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखा है, ये बेसिकली हमारे घर में सारी चीजें अवेलेबल होता है। तो मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें मैंने लिया है। यहाँ पे देखिए, मैंने करीब करीब 1 इंच 1 इंच के करीब अदरक जो है उसको मैंने कद्दूकस करके रखा है, ग्रेट करके रखा है। और 2 तेजपत्ता मैंने लिया है, और मैंने लिया है 2 छोटी इलायची, और 6-7 लौंग लिया है मैंने, और 8-9 लिया है मैंने काली मिर्च, और 12 मैंने लिया तुलसी के पत्ते, और करीब करीब 1 इंच के करीब दालचीनी लिया है। तो ये सारी चीजें जो है, इसमें से कुछ चीजें जो है बहुत हार्ड है, लाइक दालचीनी है, काली मिर्च है, और लौंग है, और इलायची है। ये चारों को मैं थोड़ा सा कूट लूंगी ताकि अच्छे से उबल जाए, और बाकी जैसे तुलसी के पत्ता, तेज पत्ता, ये सब मैं क्रश कर दूंगी। और ये कढ़ा चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ये जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाया है, ये मैंने 3 कप कढ़ा बनाऊंगी। तो 3 कप के लिए मैं क्या करूंगी, पहले 5 कप पानी लूंगी और उसको उबाल के मैंने 3 कप में ले आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें 5 कप पानी डालूंगी। 1 मैं गैस को ऑन कर देती हूँ और एक एक करके सारे जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें डाल देती हूँ। पहले जो मैंने अभी मसाले को वो करके रखा है, ग्रेट कर करके उसको डाल दिया है। उसके बाद मैंने तुलसी के पत्ते को डाल दिया है। अब मैंने अदरक डाल दिया है, और अब तेज पत्ता डाल दिया है। अभी हमें कुछ भी नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ कम से कम 20 मिनट के लिए, मिनिमम 20 मिनट तो लगता ही लगता है। पहले मैं क्या करूंगी, इसको ना ढक दूंगी 5 मिनट के लिए, उबाल आ जाने दीजिए। फिर उसके बाद मैं इसको ओपन कर दूंगी और 20 मिनट तक इसको मैं उबाल ले दूंगी कि 5 कप जो पानी है वो कम से कम उबाल के 3 कप में आए। फिर हम 20 मिनट के बाद देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये कढ़ा तैयार हो चुका है, पानी भी इसका काफी कम हो चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसको हम छान लेते हैं। तो मैं ये अभी कढ़ा सर्व कर रही हूँ।
ये देखिए कलर भी इस तरह से आएगा इसका। अभी मैंने इसमें ना एक इंग्रेडिएंट्स आपको जैसे बताया नहीं, जो हनी मैंने इसमें सर्व करने के टाइम रखा है, ये देखिए इसमें क्या है, ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। कुछ लोग तो गुड़ भी इस्तेमाल करता है, और मैं जैसे हनी मिक्स करूंगी, जैसे मेरा 3 कप है तो 1 पर्सन को हनी लेना नहीं है, हमें दोनों को लेना है, तो मैं हनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप लोग गुड़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कड़ा है ये आप लोग बनाइए और दोनों टाइम पिए, और आप अपने जो जान पहचान के लोग हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ये रेसिपी, क्योंकि आप सब लोग कोरोना मुक्त रहे और स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। तो आप लोग ये कड़ा बनाने के बाद पिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जो अनुभव है वो मेरे से शेयर कीजिए। थैंक यू।